बीते दिनों भारी संसद में राहुल गांधी द्वारा दिए गए हिंदू विरोधी बयान को लेकर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने अपना आक्रोश जताते हुए पूरे भिलाई शहर में जगह जगह राहुल गांधी का पुतला फूंका। इसी कड़ी में विश्व हिंदू परिषद के भिलाई शहर अध्यक्ष राजीव चौबे के नेतृत्व में जय हिंद चौक पर भी राहुल गांधी का पुतला दहन किया गया। राहुल गांधी को उनके बड़बोलेपन के लिए जाना जाता है और वह आए दिन विवादित बयानों की वजह से चर्चा में बने रहते हैं। एक बार फिर भरी संसद में उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया जिससे सारे हिंदू संगठन उनके खिलाफ खड़े हो गए हैं। राहुल गांधी ने संसद में जो बयान दिया है उसे सभी हिंदू संगठन हिंदू विरोधी बता रहे हैं। इस बात से खफा विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने मंगलवार को पूरे देश भर में अपना आक्रोश जताते हुए राहुल गांधी का पुतला दहन किया। इसी कड़ी में स्मृति नगर के जय हिंद चौक पर भी विश्व हिंदू परिषद ने भिलाई शहर अध्यक्ष राजीव चौबे के नेतृत्व में विश्व हिंदू परिषद और बजरंगियों ने मिलकर राहुल गांधी का पुतला दहन किया। पुतला दहन के कार्यक्रम को रोकने के लिए पुलिस बल भी पर्याप्त मात्रा में उपस्थित थे और उन्होंने जलते हुए पुतले पर पानी फेंककर उसे बुझाने का प्रयास किया, परंतु विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कर्मठ कार्यकर्ताओं ने पहले तो राहुल गांधी के पुतले को जलाया, उसके बाद रोड पर पटक कर उस पर डंडे भी बरसाए। इस आयोजन के बाद रैली की शक्ल में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोग स्मृति नगर चौकी पहुंचे, जहां उन्होंने चौकी प्रभारी को ज्ञापन सौंपते हुए धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और उकसाने का आरोप लगाया और तत्काल राहुल गांधी की गिरफ्तारी की मांग की। इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए किए गए आयोजन की जानकारी भी विश्व हिंदू परिषद के भिलाई शहर अध्यक्ष राजीव चौबे ने मीडिया को उपलब्ध कराई है। हिंदू हिंसात्मक तब होता है जब अहिंसा का कोई मार्ग शेष नहीं बचता। ये हमारे जो मूल ग्रंथ हैं हमारे सनातन के, रामायण और महाभारत दोनों में ये प्रमाणित होता है कि भगवान राम ने अंतिम समय तक शांति और समझौते का प्रयास किया था। लंका पहुंचने के बाद पूरी सेना के साथ उन्होंने अंगद को अपने दूत के रूप में रावण के पास भेजा था कि यदि वो शांतिपूर्वक तरीके से अगर सीता माता को लौटा देते हैं तो बिना रक्तपात किए भगवान राम वहाँ से वापस हो जाते हैं। और यही घटना हुई थी भगवान कृष्ण जब कौरवों के पास गए थे महाभारत से पूर्व, तो उन्होंने कौरवों से कहा था कि यदि आप हमको सिर्फ 5 ग्राम दे देते हैं, पूरे इंद्रप्रस्थ राज्य की जगह सिर्फ 5 ग्राम भी आप दे देते हैं तो हम अपने परिजनों पर शस्त्र नहीं उठाएंगे और हम 5 ग्राम लेके शांति से रह जाएंगे। आपकी परिस्थितियों में राहुल के खिलाफ क्या कुछ? देखिए, राहुल के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज होना चाहिए। आज वो स्थिति नहीं है कि हम किसी प्रकार की हिंसा की बात करें उनके विरुद्ध, और हमारा वो तरीका भी नहीं है। भारत के संविधान में पूरी आस्था है हमारी, और इस संविधान में जो व्यवस्था दी गई है इस प्रकार के वक्तव्यों के लिए, धार्मिक भावनाओं को भड़काने के लिए, हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए, आपको मालूम होगा कि कल ही जो अंग्रेजों की बनाई हुई भारतीय दंड संहिता थी उसका नाम बदलकर उसको भारतीय न्याय संहिता किया गया है। तो दंड की व्यवस्था कहाँ होती है? जब आप नौकर और गुलाम और नौकर बंधुआ मजदूर के बीच में, दंड की व्यवस्था मालिक करता है, लेकिन हमारे इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमारे मालिक नहीं, जनता खुद मालिक है। इसलिए न्याय व्यवस्था की गई। कितनी ऊंची सोच है जिन्होंने इसको किया है। भारतीय दंड संहिता, भारतीय न्याय संहिता हुई है कल 1 तारीख को, और आज कल ही 1 तारीख को उसने ये घटना की है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 196 और 299 में धार्मिक भावनाओं को भड़काने के विरुद्ध कार्रवाई करने के प्रावधान है। तो हमने चौकी प्रभारी से वही निवेदन किया है कि उन धाराओं के अंतर्गत उनके ऊपर FIR दर्ज की जाए और उनके ऊपर न्यायिक जो है प्रकरण चले। माननीय राहुल गांधी द्वारा संसद में हिंदुओं के संबंध में आपत्तिजनक बात किए जाने के संबंध में ज्ञापन दिया गया है, जिसको विधिवत शासन को सूचित कर उचित कार्रवाई के लिए प्रेषित किया, उसमें FIR की मांग कर रहे हैं। राहुल गांधी द्वारा दिए गए विवादित बयान को लेकर पूरे देश भर में हिंदू संगठनों ने मोर्चा खोल रखा है और राहुल गांधी के तत्काल गिरफ्तारी की मांग भी कर रहे हैं। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने स्मृति नगर चौकी के समीप टेंट लगाकर धरना देने की बातें भी कही हैं। ACN न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।